हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे मैं आपको बताऊंगा कि PUBG PC Lite को कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और एक फास्टर VPN और बेहतर तरीका PUBG PC Lite। जैसा मैं आपको यहां पे अभी दिखाने वाला हूं, ये PUBG PC Lite का सेटअप है जो मैंने उसको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। इसे जब आप PUBG PC को डाउनलोड करते हैं तो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन आज मैं आपको तरीका बताऊँगा जिससे बहुत तेज़ी में और अच्छे VPN के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको PUBG Lite .pubg.com पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये साइट खुल गया है, ये PUBG Lite। यहाँ से आप PUBG Lite को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर ले ताकि यहाँ पर ट्रांसलेट हो गया है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे रहे हैं, यहाँ पर रीड मोर, यहाँ पे जब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ जब आप लोग जाते हैं तो ये डाउनलोड पेज खोल देता है। ये डाउनलोड पेज पे आप लोग यहाँ पे पीसी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है और यही है। और यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ये आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करके जब आप डाउनलोड करना शुरू करते हैं तो बहुत धीरे धीरे होता है। मैं आपको एक नया तरीका बताऊँगा जिससे आप जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है गैरीना। यहाँ पर आ गया गैरीना, यहाँ पर इस पे चले जाना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैरीना, ये स्पोर्ट्स की साइट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है, उनके लिए यहाँ पे आप लॉगिन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करने जाना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है, रजिस्टर ऑन न्यू अकाउंट। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से रजिस्टर कर देना है सब कुछ। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद इसे काट देना है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म्स, इसमें गैरीना पीसी को डाउनलोड कर लेना है। गैरीना पीसी में यहाँ से आपको डाउनलोड नाउ करना है। सब कुछ इसका लुक है, यहाँ आप डाउनलोड नाउ कर सकते हैं जो कि मैंने पहले यहाँ डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और एक है, और एक VPN आपको डाउनलोड करना है, सॉफ्ट ईथर VPN, सॉफ्ट ईथर VPN, जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं। इस पर जब हम लोग जाएंगे तो इसका ऑफिशियल साइट पे जाना है। ये फ्री VPN है, बहुत अच्छा काम भी करता है, फास्ट है। और अब यहाँ खुल रहा है ये, हाँ ये खुल गया है। तो आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सॉफ्ट ईथर VPN है, यहाँ पे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको इजीली। तो इसको डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो बस इतना ही है, आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका काम खत्म हो गया। अब काट देते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ कर लिया है ये दोनों, ये इसका कोई काम नहीं है इससे। और यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपको करना है VPN को। VPN को जब आप एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, आपको करके दिखा देता हूँ। एक्सट्रैक्ट हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे VPN आ चुका है। तो ये आपका इंस्टॉलर है सॉफ्ट ईथर VPN का, इससे आप VPN डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पर मैंने इसे पहले से यहाँ इंस्टॉल रखा है। तो आपको इसको ओपन करना है, ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। और ऐसे इस बार हो गया लगता है, चलो ठीक है। यहाँ से आपको VPN गेट पब्लिक VPN रिले सर्वर्स, इस पर आपको जाना है, यहाँ रिफ्रेश लिस्ट करना है। लिस्ट रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ये रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। तो अब आप इसमें थाईलैंड के सर्वर को देखना है। थाईलैंड ये रहा थाईलैंड। इसमें बढ़िया होता है आप सेशंस और अब टाइम को देख ले किसमें बढ़िया है, उसको करें स्पीड पे ना जाए ताकि उसे बढ़िया से कनेक्ट हो जाता है।
और एक और थाईलैंड है यहाँ पे, ये भी बढ़िया है। सबसे बढ़िया जो आपको लगे उसको आपको कर लेना है कनेक्ट। ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ थाईलैंड को, इसको करके कनेक्ट देखता हूँ। वैसे कई सारे होते हैं जो कनेक्ट नहीं होते हैं, तो आप दूसरे को ट्राई करते रहना है। ये कनेक्ट हो गया, ऑथेंटिकेटेड यूजर, लेकिन इसको मिनिमाइज कर देना है। अब आपको जाना है यहाँ गैरिना में, गैरिना को इंस्टॉल कर लेना है इसकी मदद से। मैंने पहले से इंस्टॉल किया है गैरिना, इसको करना है ऐसे ओपन। यहाँ पे आपका ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड होना चाहिए। गैरिना खुल रहा है, गैरिना खुल चुका है। तो अब आपको जैसे आपने रजिस्टर किया था यहाँ पे, उससे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन दबाते हुए लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है, लॉगिन कर लेना है। और हाँ, ये लॉगिन करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो आपको कर लेना है। वो है आपको जानना है कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जा आपको यहाँ सर्च करना है बेट। ओहो, डेट, इसमें चले जाना है। मैं चाहते ही आपको चेंज टाइम जोन आएगा, यहाँ मैंने पहले से बैंकॉक का कर लिया है, आपको यही कर लेना है। बैंकॉक यहाँ पर आपको बैंकॉक का कर लेना है। ये रहा बैंकॉक, हांगकांग जन रहता है, ये इंडियन के एकदम ठीक थोड़ा सा नीचे है, उसे आपको कर लेना है। उसके टाइम चेंज से हम लोग को जोड़ देगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आ चुका है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बेस्ड ऑन आईपी, योर रीजन इज थाईलैंड, इसको आपको अगर दूसरा है तो आपको थाईलैंड कर लेना है और सेव कर देना है। और यहाँ पर PUBG PC Lite, इस पे जाना है, बैटल ग्राउंड खुल रहा है और यहाँ पर प्ले का ऑप्शन दे रहा है। जब आप डाउनलोड करते समय यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देगा, तकरीबन 2070 MB का है ये, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्ले का ऑप्शन दे देगा, काफ़ी तेज डाउनलोड होता है इससे, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आपका नेट तेज है तो ठीक है, यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। Thank you.